प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पूर्व में हमने तुलनात्मक आय का विवरण, लाभ हानि का वितरण का विश्लेषण और तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम पढ़ाते हैं समाकार विश्लेषण। तो समाकार विश्लेषण क्या है ये जानने के पूर्व हम पुनः तुलनात्मक आय विवरण और तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे को एक बार पुनः समझते हैं कि एक व्यवसाय संस्था में दो या दो से अधिक अवधि, दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो समंक होते हैं, उनका हम तुलनात्मक आधार पर वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य से विभिन्न मदों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, और उनका जो संबंध है वो अन्य मदों से स्थापित किया जाता है। जो अन्य वर्षों की जो अन्य मदें हैं, से आय का आय से, व्यय का व्यय से, संचालन से आय, इन सबके बीच में जो है हम आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकों का जो हम प्रयोग करते हैं, तो उससे जो है व्यवसाय की लाभदायकता, व्यवसाय की क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता, उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम कर सकें, इसके लिए जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और इससे जो है भविष्य की योजनाएँ तैयार की जाती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि तुलनात्मक अध्ययन में मुख्य रूप से जो है दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, यहाँ पर एक तुलनात्मक आय का विवरण, लाभ हानि का विवरण या विश्लेषण, और दूसरा तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे का विश्लेषण। तो ये जो पहला तुलनात्मक आय का विवरण या लाभ हानि का विवरण विश्लेषण जो हमने पूर्व में अध्ययन किया है, इसमें मुख्य रूप से बेचे गए माल की लागत, व्यवसाय में जो माल बेचा गया उसमें जो कॉस्ट, जो लागत आई, उसको हम लिखते हैं। फिर संचालन से प्राप्त आय और उपभोग की गई सामग्री की लागत, साथ ही विभिन्न एक्सपेंडिचर और आय के साथ कर टैक्स, जो टैक्स हमने चुकाया, पूर्व एवं पश्चात के लाभों को इसमें दिखाया जाता है। वह विभिन्न मदों में हुए प्रतिशत परिवर्तन को जानने के लिए वास्तविक परिवर्तन की हम इसमें गणना करते हैं। तो ये था तुलनात्मक आय का विवरण या लाभ हानि विवरण। इसी से जुड़ा हुआ जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, ये भी जो है तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा दो या दो से अधिक तिथियों को प्रकट होने वाले संपत्ति व दायित्वों की स्थिति को दिखाता है। साथ ही इसमें जो भी परिवर्तन होने हैं उनका, ये परिवर्तनों की जानकारी हमें ये प्रदान करता है। इस प्रकार से विवरण जो है वो एक कंपनी की आर्थिक स्थिति में होने वाले वास्तविक परिवर्तन एवं परिवर्तन की प्रतिशत का इससे हमें पता चलता है। कंपनी के आर्थिक विवरण में, चिट्ठे में जो वास्तविक परिवर्तन हुआ है और साथ ही परिवर्तन का प्रतिशत क्या रहा, इसका हम इसमें पता लगाते हैं। इस चिट्ठे के अंतर्गत जो है समता अंश, पूंजी, स्थायी विभिन्न संपत्तियां जो हैं, संचय एवं आधिक्य, इन्वेस्टमेंट विनियोग, विभिन्न लॉन्ग पीरियड के लोन्स, दीर्घकालीन ऋण, चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व आदि के आधार पर विभिन्न वर्षों में परिवर्तनों को हम ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो थी हमने पूर्व में देखी थी, तुलनात्मक आय का विवरण और तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। अब सम आकार विश्लेषण ये क्या है, इसको हम देखेंगे कि सम आकार विश्लेषण के अंतर्गत जो है दर्शाई जाने वाली मदों को किसी एक मद से संबंधित करके उन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है समाकार विश्लेषण के अंतर्गत हम कोई एक मद को लेके चलते हैं और उस मद से अन्य विभिन्न मदों को हम तुलना करते हैं और प्रतिशत के रूप में हम वहाँ पर प्राप्त जानकारी लेते हैं। अब समाकार विवरण में आय के विवरण या लाभ हानि के विवरण से संबंधित मदों को विक्रय की तुलना कर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसकी तुलना हम किससे करते हैं, विक्रय से करते हैं। आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्ति की मदों को कुल संपत्ति से व दायित्वों को कुल दायित्वों से संबंधित कर हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ समाकार विश्लेषण में हम क्या करते हैं, इसमें से संचालन से कुल आय को हम क्या मान लेते हैं, 100 मानकर आय की विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जो है हम जब समाकार विश्लेषण के अंतर्गत हम जब तुलना करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ संचालन से जो कुल आय है उसको हम क्या 100% मान लेते हैं,
और उसकी जो है आय की विभिन्न मदों से उसकी हम यहाँ पर तुलना करते हैं। ये जो है दो अवधियों के लिए उसी उपक्रम का या एक ही अवधि के लिए दो उपक्रमों के लिए तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आय विवरण की प्रत्येक व्यक्तिगत मदों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए समाकार विश्लेषण जो है वो तैयार किया जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ एक हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे कि निम्न सूचनाओं से समाकार का विवरण बनाइए। संचालन से आय विक्रय जो माल बेचा है 31 मार्च 2017 में 20 लाख रुपए का और 31 मार्च 2018 में 25 लाख रुपए का, ये हो गया संचालन से आय अर्थात जो विक्रय कुल हुआ। फिर उपभोग किए गए माल की लागत जो है वो कितनी है 15,40,000 और 18 में है 27 लाख। अन्य जो आय हैं वो है कितनी 2 लाख और 18 की है 2,50,000। कर्मचारियों के हित में जो व्यय किए गए वेलफेयर में 3,30,000 और 18 में 3 लाख। अन्य जो व्यय हैं वो हैं 2,20,000 और यहाँ पर जो है 1,50,000। तो ये जो जानकारी हमें दी हुई है इसके आधार पर हम समाकार विवरण विश्लेषण तैयार करेंगे। समाकार विश्लेषण यहाँ जो है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन जो अभी हमने बोला कि संचालन से आय तो 17 में जो थी वो 20 लाख रुपए थी और 18 में थी ये 25 लाख रुपए। तो इसको यहाँ पर हमने क्या माना 100%, ये 100% माना। अब इससे जो है हम विभिन्न मदों की यहाँ पर तुलना करते चले। तो यहाँ जो अन्य आय है वो कितनी है 2 लाख रुपए। तो यहाँ 2 लाख और 18 में जो है 2,50,000 ये अन्य आय है। अब यहाँ पर जो हम इसकी तुलना करेंगे या तो ये तुलना करने के पूर्व इनको हम जोड़ लें। अन्य आय जो है ये टोटल मिला के रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन से टोटल रेवेन्यू जो है वो है 22 लाख रुपए और यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है प्राप्ति 27,50,000 रुपये। अब हम यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे। यदि हम अन्य आय की यहाँ तुलना करना चाहेंगे तो अन्य आय 2,00,000 × 100/20 लाख तो यहाँ पर जो आएगा वो 10%। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है अन्य व्यय की तुलना हम संचालन से प्राप्त आय से करेंगे तो यहाँ पर 2,50,000 × 100/25 लाख तो ये आएगा 10%। अब ये हमने जब जोड़ दिया तो टोटल ये हो गया कितना, टोटल रेवेन्यू कुल प्राप्ति जो हो गई वो 22 लाख की। अब 22 लाख का जो परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये नंबर एक दिया हुआ है आपको यहाँ पर 22,00,000 × 100 यहाँ पर जो कुल प्राप्ति हमें हुई 22 लाख रुपए की हुई। अब इसका हम जो परसेंटेज निकालेंगे 22,00,000 × 100/20 संचालन से जो आया 20 लाख ये तो ये आया टोटल 110% एक क्रमांक एक पर दिया हुआ। इसी तरह से दो नंबर का निकालेंगे हम तो यहाँ दो नंबर पे जो टोटल प्राप्त रेवेन्यू है 25 लाख + 2,50,000 तो ये 27,50,000। तो 27,50,000 × 100/20 ये कुल बिक्री 25 लाख तो इसका भी कितना बना 110%। अब इसी तरह से जो हमने कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उपभोग माल की लागत जो दी थी वो दी थी कितनी 15,40,000 और 18 में दी है ये 22 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसका आता है 77% और इसका 88%। इसी तरह से कर्मचारी हितव्यय 3,30,000 और ये इसके 3 लाख और यहाँ पर अन्य व्यय जो है वो 2,20,000 और ये 1,50,000। तो इनको हमने जब यहाँ पर जोड़ा तो ये टोटल जो होता है 20,90,000 ये जो है 20,90,000 और इसमें से हमने इसको माइनस किया 22 लाख
माइनस 20,90,000, तो 1,10,000। इसी तरह से यहाँ पर हमने इनको टोटल किया, 22,25,26,00,000, ये 50,000 इसको जोड़ा, और इससे हमने 27,50,000 से माइनस किया, तो ये आया यहाँ 1,00,000। अब यहाँ पर जो है हमने इसका फिर से वही इस हिसाब से रेशो निकाला, यहाँ 1,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई ये 20,00,000, तो यह आया 5.5%। और यहाँ पर 1,00,000 जो आया, तो ये 1,00,000 गुणत 100 बटे डिवाइड बाई 25,00,000 रुपए, तो ये आया 4%। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर सम आकार विश्लेषण के आधार पर जो है ये कैलकुलेशन करते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न जो हैं, तुलनात्मक आय विवरण से आशय एवं उसके उद्देश्य लिखिए और टिप्पणी लिखिए। समाकार विवरण, लेखांकन अनुपात, रोकड़ प्रवाह विवरण और प्रवृत्ति विश्लेषण और कोष प्रवाह विवरण।